बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। डियर फ्रेंड्स, ये देखिए आज मैं आपके लिए ये वाला डिज़ाइन लेके आई हूँ। सीधी साइड से ऐसा नज़र आता और उल्टी साइड से ऐसा नज़र आता, और इसको बनाने के लिए जो स्टिचेज चाहिए होंगे वो 11x11 के मल्टीपल पे जाते हैं, और 2 खाने हमने एक्स्ट्रा रखने एज स्टिच के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। ये पूरी सिलाई हम सीधे सीधे खानों से बनाएंगे। ये सेकंड रो है। इसे हम उल्टे उल्टे खानों से बनाकर कंप्लीट करेंगे। थर्ड रो सीधी साइड ऐसे उतार लिया और धागा अपनी तरफ किया, और 2 का 1 करना है हमने। 2 उल्टा बनाते हुए धागा अपनी तरफ करना है, और 3 दफ़ा हमने जाली के बाद सीधा बनाना है। 1, 2, 3 सीधा बनाते हुए जाली डालनी है। ये देखें, ये 3 हमारे हो गए हैं। 1, 2, 3 अब फिर धागा अपनी तरफ करके जाली डालनी है और 2 हमने 2 का 1 करना है। ये देखें, ये हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया 11 खानों का। 2, 4, 6, 8, 10 सॉरी, और इधर से हमने इधर जाली डालनी थी, वो मैं भूल गई थी। और ये 11 खानों का डिज़ाइन बन गया, और फिर हमने 2 का 1 करना है। 2 का 1 जाली डालनी है 3 दफ़ा। 1, 2, 3 और चौथी दफ़ा जाली डाल के तो धागा आगे लेके आना है, और 2 का 1, और ऐसे सीधा बना लेंगे। ऐसे उतार लिया, ये उल्टा उल्टा, ये उल्टा उल्टा, और पूरी सिलाई हम उल्टे उल्टे खानों से बनाकर कंप्लीट करेंगे। ये हमारी 5th रो है, इसको भी हमने 3rd रो की तरह बनाना है। ऐसे उतार लिया, 2 का 1 2 दफ़ा बनाना है, दो दफ़ा, और धागा आगे करके 3 दफ़ा जाली बना के सीधा बनाना है। 1, 2, 3 अब हमने बाल डाल के धागा आगे लेके आना, और जाली बन गई साथ, और हमने 2 का 1 बनाना है। 1, 2, 3, 4 धागा अपनी तरफ और जाली डालनी है। 1, 2, 3 फिर बल दे के धागा आगे लेके आना है, और 2 का 1 बनाना है, और फिर 2 का 1 बनाना है, और ऐसे सीधा बना लेंगे।
ये दिन देखें, ये 6 सिलाइयों का डिज़ाइन है और ये डिज़ाइन हमारा बनकर कंप्लीट हो गया है। फिर हमने फर्स्ट उसे तैयार करना है कि पूरी सिलाई सीधे बनाएंगे, फिर पूरी उल्टे, और उसके बाद फिर ये वाला डिज़ाइन 4 सिलाइयों में डलेगा। और जब आप इसको बनाते जाएंगे तो ये बनकर ऐसा आएगा। आप भी बनाएं और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। बाय।